हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण और वृत्ति से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, कथन पहला है, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम का अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कथन दूसरा है, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारण होती है। तो यहाँ कथन ए है वह गलत हो जाएगा, पर कथन बी है वह सही हो जाएगा। इस आधार पर हमारा डी आंसर है, वह सही होगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण हम रहते हैं, काम करते हैं या स्कूल जाते हैं, सांस्कृतिक मनोदशा और वातावरण बनाती हैं, हमारे जीने के तरीके को यह प्रभावित करती हैं। इसका विद्यार्थी को सीखने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लैंगिकता शैक्षिक संप्राप्ति का बल निर्धारण नहीं है, अतः यहाँ कथन ए है वह असत्य हो जाएगा, पर कथन बी है वह सत्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? तो वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो यह वे उचित स्तर की पहचान खोजते हैं, यह सही है। और बहुधा सामायिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, तो यहाँ सी और ई आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। वयस्क शिक्षार्थियों की जो विशेषता होती हैं उसको देख लेते हैं। यह परिवक्त शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता के कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, वे लक्ष्य के उन्मुखी होते हैं, इनके विचारों में लोचनशीलता नहीं होती है, यह इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, NSQF किस स्तर श्रेणी के अनुसार योग्यता विकसित करती हैं? तो यह ज्ञान कौशल अभिवृत्ति, यह सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF ज्ञान कौशल और योग्यता स्तर की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तर को हो सीखने के संदर्भ में NSQF को परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान अध्यार्थियों के पास होना अनिवार्य है, भले ही वह शिक्षा को ग्रहण कर रहा हो। अगला प्रश्न है, सूची मिलान, एक तरफ मनोवैज्ञानिक विकास के चरण दिया गया है, दूसरी तरफ संदर्भित इसके उदाहरण दिया गया है। पहला है आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास, तो इसका आ जाएगा डी भरण फ्रीडिंग। फिर है परिश्रम बनाम हीनता, यह विद्यालय स्कूल। फिर है आत्मी बनाम एकाकीपन, यह प्रेम संबंध। फिर है उत्पादकता बनाम गतिरोध, यह लालन पालन परिमेश। इस आधार पर 4-3-2-1 का सीरीज ऑप्शन होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है 2021 में, बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सूची मिलान पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरण दिए हैं, उसके बाद उसका लगभग आयु दूसरी तरफ दिए हैं, इन दोनों का सूची मिलान करना है। ए है संवेदी प्रेरक, यह संवेदी प्रेरक है वह 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक है वह बच्चों को बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्ष तक होता है। और मूर्त संक्रियात्मक होता है वह प्रथम ग्रेड के पूर्व किशोरावस्था में लगभग 11 वर्ष तक होता है। फिर है अकारिकी संक्रियात्मक, यह किशोरावस्था से वयस्क अवस्था तक होता है। इस आधार पर डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2018, 23 और 21 में पूछा गया था। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन बातों से संबंधित हैं? तो यह है
ज्ञान पाठ्य की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? यह सही है। नई जानकारी अधिगम को प्रेषित करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है? यह भी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसते हैं, तब पाठ्यचर्या के अधिगम के संबंध में विचारों को अनुग्रह करते हैं। यह भी सही है। विद्यार्थी समालोचन प्रश्न उत्तर कैसे देते हैं? यह गलत है। संस्था की भाषा में प्रयोगशाला स्थापित किस प्रकार करते हैं? यह भी गलत है। इस आधार पर हमारा ए, बी और सी आंसर है वह सही हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कथन अभिकथन है। शिक्षकों को चाहिए कि उस रूप में स्वीकार करें जैसे कि वे हैं और जो उसका संज्ञात्मक स्तर है। यह कथन यह सही है। तर्क है न्यूफेसिदा निर्णायक जजमेंटल होना अभिज्ञता को उजागर करना सफल संक्षेपण का मार्ग है। यह भी सही है। यहाँ कथन ए और कथन बी सही है और ए आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है कथन है व्यक्ति क्षमताएं निर्धारण करती हैं कि हम अपना प्रबंध कैसे करते हैं। कथन भी है सामाजिक क्षमता निर्धारण करती हैं कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। तो यहाँ कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान अनुदेशन अनुदेशन का हो जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का संक्रिय आदान प्रदान। फिर है प्रशिक्षण प्रशिक्षण का आएगा शिक्षण द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। उसके बाद है अनुबंधन अनुबंधन का आएगा शिक्षार्थी से विद्यार्थी को विचारों को सहचारी प्रस्तुति और मात्रारोपण का या विद्यार्थी पर शिक्षक के विचारों को एकतरफा आरोपण। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 और 21 में पूछा गया था। अगला है एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विविध विषय की आवश्यक अवधारणाएं और सिद्धांत के अवबोध विश्लेषण की व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता में कौन कौन से अभिलक्षण की जांच करना सबसे संगत होता है? तो इसमें संज्ञात्मक अभिलक्षण विशेषता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता संज्ञा की जांच करना सबसे संगत होता है यदि एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से निहित विषय का अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध और विश्लेषण की कठिनाई होती है। अगला है एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारण करती है। वह है मूल्यों एवं मानकों के अनुकरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा। एक अधिगमकर्ता की प्रमुख चरित्र विशेषता उसके सामाजिक नैतिक विकास को निर्धारण करती है। वह मूल्य एवं मानकों के अनुकरण के नायक पूजा की ओर चेष्टा करता है। भी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर है अभिकथन अभिकथन है अधिगम और संक्षेपण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलुओं के संबंध नहीं है। तर्क है सामाजिक उत्पाद रूप से संक्षेपण रूप में अधिगम होते हैं। यह कथन अभिकथन है वह गलत हो जाएगा, पर जो तर्क है वह सही है। अगला है किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्य का सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? तो यह किसी व्यक्ति के विचार असत्य होने की दशा की आलोचना और किसी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने की प्रतिमान। यहाँ ए आंसर है और डी है वह सही हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। यह 2019 में दिया गया था और सेट में भी यह प्रश्न पूछा गया था। कलम ए और कलम बी दोनों को सूची का मिलान करना है। सत्ता मीमांसा का आ जाएगा वास्तविकतावाद। उसके बाद ज्ञान मीमांसा सकारात्मक वाद प्रणाली विधि यह आइडियोग्राफी और प्रणाली यह वास्तविकतावाद आ जाएगा। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही होगा। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। अगला शिक्षण की विधियों में
इस व्यक्तम निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाता है? प्रदर्शन विधि नहीं, समस्या का समाधान विधि सही, चाक और वार्तालाप विधि यह भी सही है। उसके बाद दल शिक्षण आधारित विधि यह भी सही है। अंतःक्रिया प्रसंस्करण विधि यह गलत, निरीक्षण अनुशिक्षण यह भी गलत है। इस आधार पर सी बी सी और डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। शिक्षण विधियों के स्टेप में समस्या का समाधान विधि अनुशिक्षण विधि को संवादात्मक कहा जाता है। संवादात्मक शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षण और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप होती है, जिसके अधिगम के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को तत्काल इसका समाधान किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता की गैर संज्ञात्मक विशेषता है? तो यह सत्य और विश्वास करना गैर संज्ञात्मक की विशेषता होती है, क्योंकि संज्ञान न होने की स्थिति में वह वस्तु या स्थिति के बारे में उसी रूप में विश्वास कर लेता है जैसा कि वह दिखाई देता है। डी ऑप्शन है वह यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है? तो यह अधिसंज्ञान मेटा कॉग्निशन का संबंध होता है। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा मेटा कॉग्निशन का उपयोग करते हैं। अधिज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रिया ज्ञान और समझ का उपयोग करते हैं। जब संज्ञान जानने के साथ बल जुड़ी सभी मानसिक संक्रियाएं प्रत्यक्ष करना, चिंतित करना, याद करना इत्यादि संबंधित हैं, तो यह सूचना प्रकरण समझ में संक्षेपण के संबंध में यह होते हैं। अगला है, विचार प्रक्रिया ब्रेनस्टॉर्मिंग एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वह लिख हट कर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। विचार परामर्श प्रक्रिया ब्रेन को एक विधि के रूप में रुचि क्षेत्र एवं विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक युग में सृजनता को एक महत्वपूर्ण योग्यता स्वीकार किया जाता है। ब्रेन स्टोमिंग भी सृजनशीलता के अंतर्गत ही आता है। यह संसार के प्रत्येक प्राणी के कुछ सृजनशीलता होती है और कम तथा किसी से अधिक किसी एक क्षेत्र में होती है। सामान्य अलग हटकर यह सोचना कहना और सृजनशीलता होती है। शिक्षार्थी के गुण की विशेषता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? तो इसमें सर्वोत्तम उपकरण है मुखरियां, सुखरियां। सुर्खियाँ डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। सुर्खियाँ शिक्षार्थियों के गुणों की विशेषता को मूल्यांकन के लिए सुर्खियाँ सर्वोत्तम उपकरण हैं। शिक्षा शब्दावली में सुर्खियों का अर्थ छात्र में निर्मित प्रतिक्रिया का गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्कोरिंग गाइड है। अगला है, विचार प्रक्रिया में संरचनात्मक अध्ययन के लिए जिसमें स्मरण, समस्या समाधान, निर्णय लेना शामिल होता है, वह क्या कहलाता है? तो यह संज्ञात्मक विकास। विचार प्रक्रिया संरचना के संबंध जिसमें स्मरण, समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है, यह संज्ञात्मक विकास कहलाता है। संज्ञात्मक विकास सीखने की प्रक्रिया, उद्देश्य, समझ, सूझबूझ अधिक जोर देता है, जिसकी मान्यता उद्दीपन प्राकृतिक व्यवहार उत्पत्ति नहीं होता है। यह व्यक्ति में उद्दीपित स्मरण संगठक चिंतन के विश्लेषण करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।